नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एस बी क्लासेज में। दोस्तों, आज की हमारी जो ये ऑडियो फाइल है, ये होगी सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में। देखिए, प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहले जिक्र करते हैं हम ब्रह्म समाज का। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा कोलकाता में की गई। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। दोस्तों, 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल में, यानी कि ब्रिस्टल कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई थी और आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक, राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन राय जी को ही माना जाता है। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंट थे ब्रह्म समाज के। उम्मीद है आपके बहुत ही उपयोगी रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि भी दोस्तों दी थी। अब हम जिक्र करते हैं आर्य समाज का। आर्य समाज के मुख्य बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। मूल शंकर स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। स्वामी जी के अनुसार भारत भारतवासियों के लिए है। वैलेंटाइन ने कहा है कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है। ये विदेशी साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है। ये थे आर्य समाज के मुख्य बिंदु। अब हम आते हैं नेक्स्ट आंदोलन पर, जो था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में दोस्तों मुख्य बातें हैं कि स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, उन्होंने इस मिशन की स्थापना की, शुरुआत की थी। 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी दयानंद जी ने भाग लिया और वहां पर बहुत ही अच्छा भाषण भी दिया था। विवेकानंद जी ने 1896 में वेदांता सोसाइटी न्यूयॉर्क में बनाई थी और 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ये थे मुख्य पॉइंट रामकृष्ण मिशन आंदोलन के, जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट है। नेक्स्ट आंदोलन है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावस्की ने, ये थोड़ा सा विदेशी नाम है और लंबा नाम है, ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क में की गई। यानी कि थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी और मद्रास में अडयार के निकट इसका मुख्यालय बनाया गया। भारत में एनी बेसेंट से आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे, नाम भी जिस भी बच्चे ने थोड़ा सा इतिहास पढ़ा है उसको अच्छे से जानकारी होगी इस नाम की। एनी बेसेंट ने भारत में इसका प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। तो ये था थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में।
और एक और आंदोलन की बात हम कर लेते हैं, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो ने शुरू किया था। डेरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र की भी शुरुआत की थी दोस्तों। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि डेरोजियो। नेक्स्ट वन है प्रार्थना समाज, ये भी बहुत ही फेमस है, इसे भी आप भलीभांति परिचित होंगे। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की और इसकी स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन रहे। महादेव गोविंद राणा डे भी इससे जुड़े हुए थे, जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्हें भारत का सुकरात भी कहा जाता था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सुकरात किसे कहा जाता था? महादेव गोविंद राणा डे को। ये था प्रार्थना समाज। अब हम आते हैं वहाबी आंदोलन के बारे में। ये बहुत ही छोटा और कम पढ़ा जाने वाला आंदोलन था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके संस्थापक वहाबी आंदोलन के प्रमुख संत अब्दुल वहाब थे। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आगे है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ से चलाया गया था। इससे भी आमतौर पर बच्चे परिचित होते हैं। सर सैयद अहमद खान का नाम हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। और एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, ज्योतिबा फुले, ये भी बहुत ही प्रचलित नाम है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक, समाज में से बुराइयों को समाप्त करने वाले, जाति प्रथा अंधविश्वासों पर कड़ी चोट करने वाले समाज सुधारक थे महात्मा ज्योतिबा फुले। और इन्होंने क्या किया था, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये था आज का प्रमुख सेशन। इसमें मुख्य मुख्य समाज सुधार जो आंदोलन है उनका जिक्र हमने किया, मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।